जिंदा शहीद MS बिट्टा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वे हमें मार्गदर्शन करें। MS बिट्टा जी, शहीद तेरी मौत है, इस वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठी, इस चमन की जिंदगी। आज हम 26/11 के शहीदों को याद करते हुए, उनकी शहादत और कुर्बानियों को याद करते हुए उनको सलूट करते हैं, उनको याद करते हैं। और जो आज के दिन अक्षय कुमार जी, जिन्होंने पिछले वक्त हॉलीडे पिक्चर बना करके एक इतिहास बनाया है युवाओं के लिए कि हमारे युवक बड़े होकर भारत माता की आजादी की रक्षा करें, फौज में जाएं, कुर्बानी दें। विवेक उबराय जी, जिनकी सोच टोटल देशभक्ति के ऊपर है, वो आज आपके सामने है। मैं आज के दिन आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें युवाओं को भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग का हमें ऐलान करना चाहिए। और जिस तरीके से हॉलीडे पिक्चर बनी, उसको देखते हुए ये हमारे युवक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। कोई मेरा नौजवान फौज की वर्दी पहन के जिम्मेदारी निभाएगा, और कोई युवक हमारी तरह वर्दी के बगैर अपने बहनों की सुहागों की रक्षा करते हुए, भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए उन जिम्मेदारी को निभाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। हॉलीडे रिलीज हुई एक मूवी के तौर पर, अब बेबी रिलीज होने वाली है युवाओं के लिए मिसाल बनकर। पर उसी जज्बे से अपने देश के लिए, लोगों के लिए अपना जीवन जीने वाले, देशभक्ति की मिसाल बने सच्चे सुपरस्टार अक्षय कुमार जी से मैं अभी विनती करूंगी कि इस प्रयास को शुभकामनाएं दें। मैं यहाँ आप सबके सामने सुबह सुबह आप लोगों के लिए, भारत देश के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। बस आपसे एक ही बात कहूंगा, यहाँ कोई मैं स्पीच देने नहीं आया, बस एक ही बात कहूंगा। जैसे एक गाना था, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे। परफेक्ट, थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। This shows your Indianness, this shows your patriotism, this shows your spirit. बिट्टा जी जो हैं, ये real life hero हैं. He has done a lot for India. But सभी को, आप सब hero बन सकते हैं, आप सबको hero बनने के लिए गोलियां नहीं खानी है, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना है, छोटी छोटी चीजें करनी है। जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, you guys should all join the स्वच्छ भारत अभियान, right? And be peaceful, and like Aki Bhaiya said, let India rock right to the top. Jai Hind. महाराष्ट्र से प्रेरणा लीजिए और यहां से सीखे देशभक्ति क्या होती है, असं म्हणून पुन्हा ते आपल्या चळवळीकडे वाटचाल करतात। अगर एक MS बिट्टा जी ऐसी मिसाल बन सकते हैं, तो इस भूमि में ऐसे हजारों बिट्टा बन आतंकवाद के खिलाफ लड़ पड़ेंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है।
तो आइए इस आतंकवाद के राक्षस को मिटाने की शपथ लें। इसके लिए मेरे पीछे दोहराइए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। आज हम 26/11 के शहीदों को याद करते हुए भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए आतंकवाद को समाप्त करने की शपथ लेते हैं। आज से हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। भारत माता की प्रगति और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आज से यह हमारा जीवन ध्येय है। इस शपथ के प्रति जागरूक और निष्ठावान रहने का हम संकल्प करते हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जो स्वच्छ भारत का अभियान मुंबई के अंतर्गत शुरू किया है, उसे अभिजागृत करने की विनती मैं बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर संगीता हसनाले जी से करती हूँ। जैसे हमको टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, वैसे ही हमको स्वच्छता के लिए लड़ना है, और स्वच्छता हमसे खुद से आती है। तो आप सब लोग अभी मुट्ठी नहीं तो अपने दिल पे हाथ रख के मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं एक वाक्य दोहराऊंगी, उसके पीछे आप दोहराओगे। प्लीज सारे अपने दिल पे हाथ रखिए और दिल से तहे दिल से शपथ लीजिए। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संबल को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ में गांव गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसलिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।